आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग हार के अंदर इजीली जो है अर्जेंटाइविस को टेम कर सकते हो। सो ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन बहुत सारे न्यू प्लेयर्स हैं जिन्हें ये थोड़ी काइंड ऑफ डिफिकल्ट लगती है। स्पेशली वो लोग ट्रैप वगैरह में कन्फ्यूज होते हैं एंड कौन सी इससे टेम करना बेटर है, तो वही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लगेगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सिंपली आपको कुछ ट्रैंक एरोज लगेगी एंड एक ये लगेगा क्रॉसबो लगेगा। एंड इफ आपको आपके पास लॉन्ग नेक बनी हो तो आप लॉन्ग नेक भी यूज़ कर सकते हो डार्ट्स के साथ, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है टेमिंग के लिए। बट अगर आपके पास नहीं है मेटल वगैरह ज़्यादा, तो आप जो है ट्रैंक एरोज यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली मैं कहूँगा कि आप लोग जो है लॉन्ग नेक ही यूज़ करो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 6 डायनासोर गेटवे लगेंगे, जो कि आप लोग क्या बोलते हैं क्राफ्टिंग में जाके बना सकते हो। एंड 4 यहाँ पे जो आई मीन सॉरी 2 यहाँ पे जो है आपको रेनफोर्स्ड डायनासोर गेट लगेंगे, गेटवे एंड गेट, दैट्स इट, ओके। एंड इतनी चीज़ों के साथ आरजी को इजीली टेम कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जहाँ पे भी आरजी हो सबसे पहले आपको ऐसे ट्रैप लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ वैसे एक जस्ट ट्रैप लगा लो, यहाँ नहीं लगाना भाई यार, ये उड़ी उड़ के भाई पता चला ये मेरा यही चोरी करके भाग गया। सो भाई वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द देते हैं भाई वो उड़ने वाले पंछी। सो आई थिंक ये जगह सही है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे ट्रैप लगा लेना। मेरे को एक सेकंड लगा क्या है मेरे चिबी है भाई। एंड ट्रैप में थोड़ी बहुत ही जगह रखना, स्पेशली पहले 3 वगैरह में थोड़ी, एक्चुअली तुम लोग 4 में भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि 6 यूज़ करो एंड 5वां एंड 6वां थोड़ा सा गैप में रखो, ताकि तुम लोग को यहाँ से निकलने में आसानी हो। आरजी यहाँ से नहीं निकल पाएगा एंड ये थोड़े बहुत क्लोज रखो, या फिर सब में इतना गैप रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक गेट लगाना है एंड यहाँ पे आपको गेट लगाना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है यहाँ से आरजी को अंदर लेके आ पाओगे एंड यहाँ से तुम लोग बाहर जा सकते हो, बाहर से जाके तुम लोग इजीली जो इसको बंद कर सकते हो। ध्यान रखना बस कि गेट जो है अंदर की साइड में खोलना, बाहर की साइड में खोलना, ये चीज़ करना, क्योंकि वरना बाहर से फिर अंदर का ये करोगे और फिर आरजी बाहर निकल जाएगा। सो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक आरजी का बंदोबस्त करते हैं इस ट्रैप में फंसने के लिए। एंड मेरे पीछे फिलहाल एक आरजी पड़ा हुआ है। सो इस आरजी को अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपली ऐसे भागते हुए जाना है एंड इस ट्रैप के अंदर इसको लेके आना है। ये ट्रैप के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलो एंड सब पीछे गेट क्या दैट्स। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप है एंड इसके बाद तुम लोग ईजिली यहाँ से मार सकते हो। तो मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे एक सेकेंड, फिर भी मैंने क्या गेट यहाँ लगा दिया, यहाँ का छोड़ गया, बट कोई बात नहीं। सो या तो 4 या 5 में तुम लोग बना सकते हो, बट मैं 6 इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो मतलब पीछे आने में थोड़ा टाइम वगैरह लेता है, तो ज़्यादा एडवांटेज पड़ता है। बाकी सिंपली उसका तुम लोग को इसको लॉन्ग नेक वगैरह मारना है एंड ये जो है क्या से नॉक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ईजी अर्जेंट है इसको टेम करना, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो ये एक ट्रैप क्लासिक ट्रैप है, तो इसमें आप लोग बहुत सारे डायनोस को फंसा सकते हो, जस्ट ऐसे नहीं कि सिर्फ आरजी के लिए बनाए। बट मैं बोलूँगा कि अगर आपको आरजी टेम करना है तो यही ट्रैप बनाए, सबसे ईजी ट्रैप है मेरे हिसाब से। एंड भाई ये नॉक हो जाएगा, 140 ही लेवल का है तो ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा। 140 लेवल का मैक्स आपके क्या बोलते हैं 30 डार्ट खाना चाहिए, उससे ज़्यादा डार्ट नहीं लगेंगे। उसमें मेरी लॉन्ग नेक नॉर्मल वाली है, अगर आपकी असेंडेंट की हो तो भाई फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये स्टिल भरता हुआ है, इसके हेड पे मारा करो, हेड पे जो है ज़्यादा अनकॉन्शियस के लिए ये टॉपर ज़्यादा चढ़ता है अगर तुम हेड पे मारोगे तो। एंड ये हो गया, ये बैठने का सलाह, ये क्या मेरे को लगा क्या हो गया। एनीवे सो यहाँ पे हम लोग का जो फीमेल अर्जेंट है वो नॉक हो चुका है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके अंदर आपको खाना देना है एंड आप चाहो तो इसका टॉपर कंट्रोल कर सकते हो, आपको नार्कोटिक्स देनी पड़ेगी। बट एनीवेज सो यहाँ पे मैं एक मेथड का यूज़ करता हूँ, मैं ऑलवेज आई मीन अपने डायनोस को जो है भूखा रखता हूँ, मैं उन्हें देता नहीं डायरेक्ट, पहले उन्हें अच्छा खासा भूखा होने देता फिर फूड देता, तो एक साथ टेम हो जाते। तो अभी थोड़ा देर वेट करते हैं एंड इसका थोड़ा बहुत फूड गिरने देते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसे खाना देंगे। एंड खाने में तुम लोग मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें प्राइम मीट देना चाहिए, जो कि तुम लोग को बड़े डायनोस को मार के, जैसे कि रेक्स, टिगो, डिप्लोसॉरस, उन डिलोफोनिया, डिप्लो, इन सबको मार के तुम्हें प्राइम मीट मिल जाएगा। बेटर रहेगा तुम प्राइम मीट इसको, तो भाई इसी को टेम कर दो आज में। सो क्या बोलते हैं इसको प्राइम मीट दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मीट भी दे सकते हो और मटन हो तो मटन भी दे सकते हो, मटन सबसे बेस्ट है भाई सच्ची में। मॉस्ट ऑफ की मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग सच्ची में बहुत अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, तो फिर भी ठीक है भाई, वो रेयर फ्लावर्स तक मांग लेते हैं। बट एनीवे सो यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी देर वेट कर लिया एंड इसके बाद अगर मैं तुम्हें इसकी, अरे इन्वेंट्री एक्सेस हो जाए मेरे भाई, इन्वेंट्री एक्सेस करके दिखाओ, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इसका 600 फूड उतरने दिया। अब इसके बाद मेरे पास फिलहाल प्राइम मीट तो नहीं है, बट मैं जो है अपने मीट दूंगा एंड इसके बाद देखिए कितना परसेंट हो रहा है। सो यार ये स्टिल काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है बिकॉज इसका फूड फिर भी भर जाएगा। ये एक नहीं, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये एक वक्त पे 50-60 मीट ले रहा है, मतलब आई मीन 50-60 फूड ये कर रहा है, तो यार हम लोग आज इजीली टेम हो जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग का अर्जेंटा टेम हो चुका है। सो ये बहुत इजी तरीका है अर्जेंटा इसको टेम करने का एंड होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी मैंने इसके लिए सैडल भी लेके आया था। सो या आई थिंक फिर आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आज की जो वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेक श्योर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बहुत परेशान कर रहा है, उसको मार डाला मैंने।
बाकी ये बहुत इजी तरीके है, एज आई सेड तुम लोग इस ट्रैप के थ्रू एंड इस तरीके से अर्जेंट अब इसको टेम कर सकते हो, बहुत इजी है। जस्ट अपने साथ कुछ नारकोटिक्स भी लेके जाना, बिकॉज इसका टॉर्पर कभी कभी गिर जाता है अगर ये लो लेवल का हो तो। अगर हाई लेवल का कर रहे हो तो टॉर्पर उतना नहीं गिरेगा, तो आपको नारकोटिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आज के लिए फिर बस इतना ही, मैं आपसे को मिलता हूँ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो चले गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आरजी से मॉइस्चर को उठा सकते हैं, अगली बार दिखियो नहीं भाई दर्शन खड़ मुझे क्यों मारा। हम तो हो गए जमा, धीरे धीरे खाला माप दो ना।